सेवन सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन फाइव दिल्ली सल्तनत। क्लास सेवन हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 46। क्लास सेवन आज हम पढ़ रहे हैं प्राइस से द सेकेंड ग्रुप, जिसमें कि दूसरा ग्रुप था। पहले में तो हमने पढ़ा सामाजिक जीवन में एरिस्टोक्रेट्स, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरे ग्रुप के बारे में, जिसमें आते हैं उलेमाज, मौलवी, काजी, ब्राह्मण और पंडित लोग आते थे। ये जो है राजा को समय समय पर धर्म से संबंधित सलाह देते रहते थे कि धर्म के अनुसार किस प्रकार राज्य चलाया जाए। ये क्लास जो थी, इस वर्ग के लोगों को राजा की तरफ से कुछ लैंड ग्रांट्स भी मिली हुई थी। अब आगे टाउनशिप पीपल, थर्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी में था। टाउनशिप के लोग आते थे जो कि मर्चेंट, ट्रेडर और शॉपकीपर थे। ये लोग जो है अपनी आजीविका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के व्यापार से गेट करते थे। अर्बन आर्टिसन और क्राफ्टमैन भी इसी कैटेगरी में आते थे। ये लोग जो है शहरों में रहते थे और इनके पास जो है काम जो है काफी मात्रा में भी रहता था और काम के अवसर इन पर बने रहते थे। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं विलेजर्स, फार्मर, पीजेंट और दूसरे ग्रामीण लोग जो थे वो इस समाज के फोर्थ ग्रुप में आते थे। और गरीब ये लोग जो थे काफी गरीब थे और काफी मिजरेबल लाइफ जीते थे। इन्हें जो है लैंड रिवेन्यू भी देना होता था और दूसरे प्रकार के कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो उनको स्टेट को देने होते थे। इनके पास यानी कि अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं रहता था और इनको जो है ये लोग जो है कई बार ड्रोट, फेमाइन और दूसरी प्रकार की नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण भी सफर करते रहते थे। यानी कि सबसे गरीब वर्ग जो था वो विलेजर्स का था, जिसमें कि फार्मर, पीजेंट और दूसरे ग्रामीण लोग आते थे। अब है सोशल इवेल्स प्रीविलेंट इन द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के दौरान जो है कुछ बुराइयां भी जो थी प्रचलित थी। सल्तनत पीरियड में कुछ पर काफी संख्या में सामाजिक बुराइयां थी, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। द कास्ट सिस्टम फ्रॉम विच अदर सोशल इवेंट्स आल्सो स्टिम्ड वेरी रिज्ड वाज वेरी रिज्ड जो जाति प्रथा थी उसके कारण दूसरी सामाजिक बुराइयां भी उसके साथ थी। यानी कि जाति प्रथा है एक प्रथा है जिसके में से क्या है दूसरी छोटी छोटी बुराइयां और भी निकल कर आती हैं। चाइल्ड मैरिज वाज क्वाइट कॉमन और जो है बच्चों की शादी जो थी वो भी प्रचलित थी। पर्दा सिस्टम प्रिविलेज ड्यूरिंग दोज डेज इन दिनों जो था पर्दा प्रथा भी लागू थी। वुमेन जो है इक्वल रिस्पेक्ट और राइट्स को समाज में एंजॉय नहीं कर सकती थी। इनको जो है कमोडिटी वस्तुओं की तरह जो है वुमेन्स को बेचा और खरीदा जाता था। दास प्रथा जो थी वो भी समाज में चली हुई थी। दासों को भी जो है ओपन मार्केट में सेल किया जाता था, परचेज किया जाता था और ये लोग जो थे यानी कि स्लेव्स जो थे वो अपने मास्टर की दया पर ही डिपेंड होते थे। द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड बच्चे की यानी कि जो लड़की है उसका जन्म होने पर उसे जो है अभिशाप माना जाता था, उसका जन्म जो है अच्छा नहीं समझा जाता था और समाज में उसे पुरुषों के बराबर जो है अधिकार प्राप्त भी नहीं थे। अब इकोनॉमिक लाइफ मेन ऑक्यूपेशन जो था सुल्तान युग के लोगों का मेन व्यवसाय जो था वो एग्रीकल्चर था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कई प्रकार के काम जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए करवाए थे। कई प्रकार के कुएं खुदवाए, कई प्रकार की नहरें जो हैं उसने अपने टाइम में बनवाई थी। सभी प्रकार के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वर्क तुगलक फिरोजशाह तुगलक ने किए थे वो फार्मर्स के लिए एक बून साबित हुए, यानी कि एक मील का पत्थर साबित हुए। इन दिनों जो है ड्रॉट फेमाइन, अगर इस समय में ड्रॉट या फेमाइन आता था तो जो है स्टेट के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा जो है उन्हें लोन भी प्रोवाइड करवाया जाता था। इंडिया भारत में जो है चाइना के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया इन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। इंटरनल ट्रेड आल्सो फ्लोरिश्ड इन द कंट्री और इंटरनल व्यापार भी जो था वो देश में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। नॉर्थ इंडिया में जैसे कि दिल्ली, जो दिल्ली को जो है सेंटर ट्रेड का सेंटर माना जा रहा था, इस ये यहाँ पर जो है एक मार्केट थी सेल और परचेज की, सभी प्रकार की वस्तुओं की सेल और परचेज की मार्केट थी, जैसे कि वीट, राइस, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, फाइन मिल्स, मेटल वेयर्स एंड आइवरी हैंडीक्राफ्ट्स, ये सभी एक एग्जाम्पल के तौर पर इन चीज़ों को बताया गया। यानी कि सभी प्रकार की गुड्स का सेल और परचेज जो है दिल्ली में होता था। दिल्ली जो था ट्रेड का एक मेन सेंटर था।
अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने भी अपने समय में काफ़ी सुधार किए थे, जिसमें से था कि सभी आवश्यक वस्तुओं का उसने रीजनेबल प्राइस जो है सेट किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है बेकार के टैक्सेस को हटाया था, जिससे कि व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला था। सिकंदर लोधी ने भी इकोनॉमिक सुधार जो है कई प्रकार के लेकर आए थे, ताकि व्यापार और जो इंडस्ट्री के काम है वो काफ़ी फल फूल सकें, उनको इनक्रेज हो सकें, बढ़ सकें। सभी धार्मिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलावा पीपल जो थे वो उनको जो है एक लार्ज आर्मी का, जो सुल्तान के द्वारा आर्मी रखी जाती थी उसका जो है खर्च उन सभी लोगों के ऊपर पड़ता था, यानी कि सभी लोग ऐसे टैक्सेस पे करते थे जिससे कि आर्मी जो है चल सके। सोशल ट्रेड, लोकल ट्रेड और एग्रीकल्चर जो है इस समय के इंटरनल लोकल ट्रेड और एग्रीकल्चर गुड हेम्पियर ड्यूरिंग इंटरनल रिवोल्ट एंड फॉरेन इन्वेंशन। लोकल व्यापार और कृषि पर जो है उस समय के दौरान जो है इंटरनल यानि कि अंदरूनी विद्रोह और फॉरेन यानि कि विदेशी आक्रमणकारियों का भी प्रभाव पड़ता रहता था। अब रिलीजियस लाइफ, मुस्लिम रूल जो है जब भारत में स्टार्ट हुआ था तो हिंदू लोग जो थे वो अपने धर्म को मानने के लिए इतने आज़ाद नहीं थे जितने कि वो पहले थे। एक मिनारेट थी जो मॉस्को में एक मिनारेट बनाई जाती थी, बनाई गई थी, जिसमें कि सबसे ऊपर जो है मोजिन, इसको एक आदमी यानी कि एक व्यक्ति रखा जाता था जिसको मोजिन कहकर बुलाते थे, यानी कि वो क्या करता था इसमें प्रेयर करता था मिनारेट में, जो कि मॉस्को में बनी होती थी। और ये जो है भारतीय आर्किटेक्चर में जो थी एक नई चीज़ थी जो जुड़कर आई थी। क्लास ऑफ फर्दर रीडिंग ये आप खुद पढ़ेंगे, ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए फर्दर रीडिंग। आगे स्पेशल रिलीजियस टैक्स कॉल्ड जजिया वाज इम्पोज्ड ऑन देम, भारतीयों पर यानी कि हिंदू लोगों पर जो है जजिया कर लगाया गया था। और जो इसमें क्या था कि ओपनली यानी कि कहीं भी आप खुले स्थान में वर्शिप नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते, जिससे लेकिन जो था इस्लाम धर्म था उस समय उसको बढ़ावा देने वाले लोगों को रिवार्ड मिलता था, और यानी कि कई बार उन्हें हाई पोजीशन भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में गेट हो जाती थी। ड्यूरिंग द तुर्किश रूल, तुर्किश रूल के समय जो है सूफी संत जो है भारत में आए थे, दूसरे मुस्लिम देशों से जो है भारत में कई सूफी संत का ग्रुप जो है भारत में आया था। उन्होंने जो है उपदेश दिया था टॉलरेंस और एक भगवान का उपदेश दिया था। उन्होंने कुछ अपने जो है रूल्स या अपनी कुछ मान्यताएं थी जिसको हिंदू और इस्लाम के बीच में थी उनको बढ़ावा दिया। धीरे धीरे जो है कई धार्मिक जो कम्युनिटीज़ या समुदाय हैं वो भारत में टॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर, जो मतलब कुछ ऐसे समुदाय भी भारत में विकसित हो गए थे सूफी संत के आने के समय। और सूफी संत कब आए थे, ड्यूरिंग द तुर्किश रूल्स के समय में आए थे। क्लास हमारी रीडिंग यहीं तक रहेगी।